गाइस वेलकम बैक डॉल चैनल। देखिए क्या कर रही है मामा। मामा क्या कर रही हो? डॉल देख रही है, मोबाइल सब गेम देख रही है। घर भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। कल आई थी माँ के वहाँ से, उसके बाद बुखार आ गया तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है और कुछ तो कर नहीं सकती। बुखार में बेबी को ज़्यादा टच करूँगी तो उससे भी हो जाएगा। ये डर के मारे मैं उसको इतना छू नहीं रही हूँ, जस्ट ऐसे ही उसको चेंज करा दिया। और थोड़ा ब्रेकफास्ट तो कराना ज़रूरी है तो ब्रेकफास्ट कराया। डॉल आज ब्रेकफास्ट में खाया स्टीम एप्पल, उसके बाद स्वीट पोटैटो बॉयल और दलिया। दलिया तो कॉमन है, वो देती हूँ हमेशा। और उसके बाद डॉल ने खाया फ्रूटी। देना नहीं चाहिए मुझे भी पता है, पर क्या करूँ, कोशिश बहुत किया रोकने के लिए और रोक नहीं पाई। उसके बाद चिप्स भी खाया, पोटैटो प्लेन वाला। देना नहीं चाहिए, आप लोग मत दीजिएगा। जितना दिन हो सके कोशिश कीजिएगा बिल्कुल चिप्स ना देने के लिए। मैं भी कोशिश किया ही था, सच के या आधा घंटे बाद वो उल्टी हो ही जाएगा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है रियल जिसकी मुझसे क्या हो रहा है। डॉल को, डॉल को क्या, बहन का जो बेटा है पम्पम उसी को भी यही प्रॉब्लम है। अगर रियल जूस पी लेती है, लेता है वो भी, तो थोड़ी देर के बाद उल्टी हो ही जाता है। आई थिंक गैस कम होता है। अगर बहुत सारा फ्रूट एक साथ है, मिक्स फ्रूट वाला देते हैं तो बहुत सारा फ्रूट एक साथ होने की वजह से उसका जो वो अंदर विटामिन, तो बहुत सारा विटामिन है उसमें, तो उसकी वजह से कुछ होता होगा। इसीलिए आप लोग सके तो प्लीज मत दीजिएगा मिक्स वाला, कोई ऐसे गुआवा का दे दीजिएगा। पर ट्राई कीजिएगा फर्स्ट एक चम्मच खिला के। तो चलिए देखते हैं, मैं तो आज बीमार हो गई तो हस्बैंड सब काम कर रहे हैं अकेले अकेले, तो चलिए किचन चलते हैं। डॉल का भी लंच बन रहा है और साथ में हम लोग का भी संडे है, तो मैं ऐसे नॉर्मली लंच नहीं करती हूँ। और कभी माँ बुलाती है तो संडे वो भी तो लंच कर लेती है। तो चलिए देखते हैं हस्बैंड क्या बना रहे हैं। तो डॉल का बैलून वो जो लेके आई थी ना, वो ये देखिए खतरनाक हो चुका है। देखिए बीमार पड़ गई तो घर का हाल निकल के गिरा हुआ है। डॉल का गाड़ी जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। ये साइकिल इधर टेढ़ा मेढ़ा होके, ये रूम का हालत भी नहीं है। देखिए छोटा सा गाड़ी, उसका भैया का गाड़ी लेके आया, वो भी ऐसे फेंक के रखा है। ये गाड़ी साइड में रख दिया। तो ये डॉल का कपड़ा है, बेड भी सही से ठीक नहीं हुआ, कैमरा भी कभी कभी क्या हो जाता है, हालत नहीं है। देखिए डॉल ने क्या किया, तो डॉल का लंच के लिए डबल किया और चिकन सूप बनाया। इसका रेसिपी अलग से दूंगी, अदरक लहसुन और बहुत सारा वेजिटेबल को देके ये सूप बनाया गया है। और वेजिटेबल को निकाल लिया क्योंकि डॉल नहीं खाती है, तो सूप में जो रह गया वही। तो चलिए गार्डन, ये देखिए लौकी पकड़ा हुआ है, उस दिन बोली थी मैं तो खाया भी बहुत सारा है। तो देखिए अभी फिलहाल मुझे दो तीन ही दिख रहा है। तो ये देखिए लौकी हुआ है, ये छोटा सा है, ये राइट हैंड साइड में के ऊपर में चाल में, तो वो बड़ा हो गया। अभी थोड़े दिन बाद फिर नया सब्जी लगाएंगे क्योंकि अभी ठंडा आ रहा है। ठंडे में यहाँ का जो लोकल इलाई पत्ता और धनिया पत्ता हम लोग का, ये सब लगाऊंगी। तो वो जब गार्डन में लगाऊंगी तब उसकी भी ब्लॉग बनाऊंगी। तो ये देखिए ये लाउया में हुआ है बहुत सारा, दिख नहीं रहे सही से। बॉल भी हुआ है, ये वॉल में लटक लटक के है। देखिए इधर कोचू का पेड़ भी है, हम लोग खाते हैं यहाँ से काट के ही। ये देखिए छोटे 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 छोटे, ये इससे थोड़ा सा बड़ा होने से ही खाता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पुई साग भी है, उस दिन खाया था हम लोगों ने काट के। तो ये खिड़की में हुआ है, गमन क्वार्टर से देखिए हालत है खिड़की का, तो खिड़की पे भी हुआ है। बॉल तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये देखिए वॉल में कैसे करके चढ़ा है। तो ये देखिए आप भी बोले भरती है, तो फिलहाल 10-12 तो हुआ ही है, तो इसे कल मॉर्निंग को तोड़ना पड़ेगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो ये रेड कलर का पत्ता दिख रहा है आपको, ये मछली का सत्तू टेंगा जो बनाते हैं, तो मैंने दिखाया था इसका रेसिपी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग खाते हैं तो। वो देखिए भोल पूरा भरती,
सही से दिख नहीं रहा है, ये देखिए भरती है पूरा। तो कल मॉर्निंग इसको हस्बैंड ने कहा मॉर्निंग का तोड़ देते। तो ये मेरा छोटा सा सब्जी खेती जो बता हो चुका है अभी, तो दिन बाद फिर नई सब्जी लगाऊंगी। देन व्यूअर्स हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, लव यू ऑल, बाय बाय।